हाय, गुड मॉर्निंग। सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द क्वेश्चन पेपर फ्रॉम आईआईटी जैम, ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 है 2021 का। तो क्वेश्चन क्या आया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 आया हुआ है, आपका जो ओरिजिनल पेपर है उसका 6th नंबर क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 10 इन Z50। तो लैंग्वेज का डिफरेंट फॉर्म में लैंग्वेज लिखी हुई है। वहाँ क्वेश्चन है हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप Z50 ऑफ ऑर्डर 10। तो बेसिकली आपके पास 10 ऑर्डर के एलिमेंट फाइंड करने हैं Z50 में। तो डायरेक्ट हमने फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर के इन Zn इज 0 If k does not divide n और phi k whenever k divides n। और यहाँ phi जो है वो क्या है, Euler phi function। और k को अगर मैं लिखता हूँ सम p1 to the power n1 p2 to the power और p to the power वर a q to the power b r to the power c and so on। यहाँ p q r r distinct prime number, ठीक है। तो उस केस में phi ऑफ k आपके पास डायरेक्ट फार्मूला है, दैट इज k इंटू 1 माइनस 1 अपॉन p, 1 माइनस 1 अपॉन q, 1 माइनस 1 अपॉन r, ठीक है। तो यहाँ हमें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 10 फाइंड करने हैं Z50 में। तो k इक्वल टू 10 है और n इक्वल टू 50 है, तो k n को डिवाइड कर रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, एग्जैक्टली phi 10। और phi 10 का मीनिंग क्या है, 2 इंटू 5 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई 5। तो फाइनली सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर शुड बी 4। तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर प्रॉपर मैं कैलकुलेशन के साथ भी पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ तो मैक्सिमम 1 मिनट का आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपके पास आईआईटी जैम में जो कुछ क्वेश्चन आएंगे जो विद इन 1 मिनट सॉल्व हो जाएंगे, जैसे ग्रुप थ्योरी के 3-4 क्वेश्चन ऐसे हमेशा आते हैं जो 1 मिनट में आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आई थिंक क्लियर है ये क्वेश्चन।